आपको सबसे पहले पुदीना का काम है, क्या काम करती है? कहते हैं पुदीना में सबसे अच्छी बात है, क्या आपको लगता है किसी डॉक्टर के पास आप जाते हैं, आपको वो दवाई दे रहा है तो उसके अंदर कोई पेंटाइसिड नहीं होगा, एसिडिटी के लिए कोई दवाई देता है? देता है। तो उसके पीछे लॉजिक पता है, उसके पीछे लॉजिक है कि जो एलोपैथ मेडिसिन लेते हैं वो बहुत ज्यादा एसिड क्रिएट करती है, ये तो है। इसके अलावा वो डॉक्टर जो एक बात को हमको शेयर नहीं करता है, और वो क्या है कि अगर बॉडी के अंदर एसिड लेवल आपका बढ़ा हुआ है तो कभी भी आपका पेन ठीक नहीं हो सकता, कभी भी पेन ठीक नहीं हो सकता। एक एग्जांपल लेते हैं, आपको मैं 2 बाल्टी पानी दे देता हूं और उसको मैं कहता हूं कि आप दोनों हाथ में लेके खड़े हो, थोड़ी देर बाद क्या हो? दर्द हो जाएगा। दर्द पता क्यों हुआ? क्योंकि आपके बॉडी का ग्लूकोज ऑक्सीजन के एब्सेंस में, क्योंकि ज्यादा देर खड़े रखेंगे यहां का ऑक्सीजन सारा यूटिलाइज हो चुका है, फिर भी आप उठा के रखे हुए तो आप उसको एनर्जी लगा रहे, वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड, और ये लैक्टिक एसिड वहां पे पेन कर देना चाहता है। तो पेन का एक वजह क्या है? एसिड एक्युमुलेशन। अब पुदीना ने क्या करना है? पुदीना ने क्या करना है? वो एसिड को खत्म कर देना। अब एसिड कम हुआ, पेन ऑटोमेटिकली कम होगा। तो देखो बीमारी को कैसे कैसे पकड़ा हमने, कहां कहां से उठा के चारों तरफ से पैक नहीं कर दिया उसको, विटामिन भी हमने उसको प्रोवाइड किया, उसे पेन किलर भी प्रोवाइड किया, इन्फ्लेमेशन कम हो हमने वो भी उसको प्रोवाइड किया, तो ये सारा का सारा हमने उस डिजीज को क्या करते हैं, पैक कर दिया। अब देखिए पुदीना दूसरा क्या काम करता है, कोई भी ये आपका पार्ट है बॉडी का, तो यहां पे ब्लड सर्कुलेशन को फास्ट कर देता है, वहां के सेल्स को सुदन करता है और वहां पे ब्लड वेसल्स, वहां पे ब्लड सप्लाई फास्ट कर देता है। जैसे ब्लड सप्लाई फास्ट होगा वहां से क्या होगा, जो भी वहां टॉक्सिन्स है वो ब्लड में मिलकर वहां से निकल देगा, जैसे वहां से टॉक्सिन निकला, जैसे वहां से एसिड निकला, जब एसिड ही नहीं है वहां, टॉक्सिन ही नहीं है वहां, तो वहां का क्योर हो गया या नहीं हो गया? आप फिजियोथेरेपी के पास जाते हैं, वो सिकाई करता है आपका, कभी गर्म सिकाई करता है, कभी ठंडा सिकाई करता है, वजह पता है? वहां पे ब्लड सर्कुलेशन को फास्ट करना, और हमारे पास ब्लड सर्कुलेशन फास्ट करने के लिए क्या है? तो ये सोच है जी, समझना पड़ेगा आपको कि आपके पास चीजें क्या अवेलेबल है, जो चीजें आपके पास अवेलेबल है उसको हमें किस तरीके से इस्तेमाल करना, अगर वो इस्तेमाल करना हमें आता है तो डेफिनेटली हम पेशेंट को ठीक कर पाएंगे। और मोदी केयर में मैं बार बार कहता हूं कि एक चीज याद कर लीजिए, फिट है तो अगर आप फिट हो और फिट हो, आप जितना मर्जी काम कर लो, जो मर्जी काम कर लो, अगर आप फिट है ना तो फिट है। अगर आपको क्या चाहिए, हम लोग मोदी के क्यों ज्वाइन किया हमने, फिट रहने के लिए, रोटी, कपड़ा, मकान, गाड़ी, कार, रोटी, कपड़ा, मकान और कार, और साथ में क्या करना है अपने को, ये सब तब मिल सकता हमें जब हम क्या करें, फिट है। फिट अगर आप हैं तो हिट भी आप ही होंगे, डेफिनेटली आप होंगे, क्योंकि आपके काम करने की एनर्जी हो, अगर आप में काम करने की एनर्जी है ना, सामने वाला खुद ब खुद क्या हो जाएगा, आपकी एनर्जी को देख के ना, तरुण सर की क्लास होती है, सब एनर्जी आ जाती है, आती है ना, तो कहते हैं वो एनर्जी सामने वाला आप में ट्रांसफर करता है। इसी तरह से आप जब किसी के सामने बैठे हो ना, तो आपके अंदर वो एनर्जी होनी चाहिए जिससे सामने वाला ना बंध जाए, यार मेरे को तो करना है चेक। कैसे कैसे एनर्जी आप लाते हैं उसमें, कभी आपको चेक दिखाते हैं, कभी उसको कार की फोटो दिखाते हैं, कभी आप कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, है ना, ये एनर्जी है सर, दिखा दिखा के नहीं, आपके बात में भी ऐसी एनर्जी होनी चाहिए ना, उस बंदे को लगे यार सही कह रहा हूं। इसके लिए आप लंगड़ाते हुए उसके पास जाएंगे ना, और वेलनेस का प्रोडक्ट बेचेंगे।
कमर पे हाथ रखा हुआ है, हाँ जी आपको पेन किलर दे रहा हूँ मैं, ठीक हो जाओगे आप। भाई ये पहन ले तो अगर कमर का तो ठीक कर ले, खुद खा ले पहले। तो एग्जैक्टली यही बात होती है जी, सीधी सी बात है। अगर हम फिट लास्ट क्लास की बात कर रहे थे, ओबेसिटी की बात कर रहे थे, और मैंने आपको बोला था अगर मैं खुद बहुत ज्यादा मोटा हूँ और आपको बोलूँ कि मैं आपका मोटापा कम कर दूंगा, तो आप कुछ पता क्या बोलने आ गए। एग्जैक्टली ऐसी बात है। अगर आपको क्या है, अगर आपको आप फिट नहीं है तो किसी को फिट होने की बात नहीं कह सकते। और आपको पता है वेलनेस का प्रोडक्ट हमारे पास एक ऐसा हथियार है जो हम किसी को भी पीछे छोड़ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सात हथियार तो और है, वेलनेस के हथियार को हम इस्तेमाल नहीं करते। और मुझे लगता है इस्तेमाल नहीं करने की वजह क्या है कि हम लोग थोड़ा सा इसमें एजुकेट, थोड़ा सा एजुकेट बहुत इंटेलिजेंट है आप लोग, किसी को कार आ रहा है, किसी को फॉरेन ट्रिप आ रहा है, हम तो बच्चे हैं, डायरेक्टर है सर तो कहते हैं जी, लेकिन आपने बहुत भयंकर जुनून है इसका, मतलब कार आ रहा है, फॉरेन ट्रिप आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, मतलब वाकई में बहुत कुछ। तो अगर आप वेलनेस के प्रोडक्ट को आप अपने से दूर लो ना, एक बंदे को ठीक करके देखो आप, मैं आपको गारंटी देता हूँ लाइन लग जाएगी आपके पास बंदों की। एक मोटे बंदे को आप पतला कर दो, मैं आपको गारंटी देता हूँ जी उसके खानदान में सारे पतले बने आ जाएंगे। देखो कहते हैं जी अगर आपको बॉडी के अंदर कोई पेन नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, हेरिडिटी की वजह से मोटापा का दिख रहा है, कोई बात नहीं। ऐसे मैंने अपने लाइफ में अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि जी थायराइड का सीवियर केस जिसको हम कहते हैं जी, एक ग्राम वजन कम नहीं होता, जो स्टेटमेंट होता है पेशेंट का, जी मेरा तो पानी से भी वजन बढ़ता है, हमने तो उसके भी 30-30, 40-40 किलो वजन कम कराए सिर्फ 4-4 महीने। मुश्किल नहीं है, हेरिडिटी सर मैं 2 मिनट और रुकूंगा, हेरिडिटी कुछ नहीं होता, हेरिडिटी क्या होता है मैं समझा देता हूं। देखिए 99% बीमारी हेरिडिटी होती ही नहीं, 1% बीमारी होती है जो बाय बर्थ आता है। क्या आप बचपन से ऐसे थे, पैदा होते मतलब सीधे नॉर्मल जो बच्चा होता है, सीधे 2-2.5 किलो होता है, सीजरियन से मेरा वेट 4.5, मतलब आपका सीजरियन हुआ था, हम ये कह रहे हैं कि हमें जो बीमारी हेरिडिटी नहीं है वो भी हेरिडिटी क्यों लगती है, जरा इसको देख रहे हैं। कहते जी बेटी की शादी हुई, बहू आई, बहू ने खाना बनाया, दूसरे घर की है, बहू ने खाना बनाया, खाना परोसा गया, ससुर जी इधर देख रहे हैं, बेटा उधर देख रहे हैं, उधर देख रहा है खाना खा के, और सासू जी का कमेंट आता है क्या ये क्या बनाइए यार, ये तुम्हें खाना नहीं बनाना आता, चलो मैं सिखा के बोले जाइए किचन में, उसको अपने हिसाब से खाना बनाना सिखाएगी, हाँ जी ऐसे मसाले डालो, ऐसे ये करो, ऐसे ये करो, बेचारी करे क्या करे, है ना, तो वो क्या करेगी वैसे ही खाना बनाना सीख जाएगी। बहुत बढ़िया बात है। जब खाना बनाने का प्रोसेस आपके घर में चेंज नहीं हो रहा, मतलब आपकी दादी भी वैसी बना रही थी, दादी की बहू भी वैसी बना रही है, और आपकी बीबी भी वैसी बना रही है, एक घर के अंदर एक ही चीज की डेफिशिएंसी बनी रहती है, और एक ही चीज बॉडी के अंदर एक्सेस ज्यादा होता है। दादा को भी एक्सेस ज्यादा था, खाने बनाने के सिस्टम की वजह से डेफिशिएंसी और एक्सेस की वजह से 1% बीमारी होती है जो जेनेटिक डिजीज होती है, जिसका कोई इलाज दुनिया में है ही नहीं। जेनेटिक डिजीज को कोई ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि बाय बर्थ जीन का सेटअप ऐसा है, दुनिया की कोई ताकत उसको ठीक नहीं कर सकती। क्या बॉडी के एक एक सेल को निकाल के
जीन चेंज कर देंगे उसने नहीं हो सकता तो ठीक भी नहीं हो सकता। ठीक है जी, तो उम्मीद करते हैं कि आपको कुछ गेन थोड़ा बहुत हो गया। सर एक डोज बता दीजिए। थैंक यू। कितनी कैसे?